तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है भूगोल का दोस्तों, ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्लास दोस्तों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। चलिए दोस्तों, लोकेशन के बारे में इसकी स्थिति और विस्तार किस प्रकार है दोस्तों, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लो जल्दी से। चलिए, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राजस्थान की स्थिति और विस्तार और ऊंचावच, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का पूर्ण निर्माण कब पूरा हुआ? जो आधुनिक अभी वर्तमान में राजस्थान है ना, इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 7 दिसंबर 1957, 1 नवंबर 1948। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब पूर्ण हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 के अंदर दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था पूर्ण, ठीक है। लेकिन अस्तित्व में कब आ गया दोस्तों? 1949 के अंदर, न्यू सॉरी 1949 को। इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है दोस्तों? ये बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, चूरू, इतना है जी दोस्तों। क्वेश्चन संभाग भी याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। बीकानेर बीकानेर में आएगा, नागौर नहीं है दोस्तों, श्री गंगानगर आता है, चूरू आता है, और कौन सा आता है दोस्तों, एक जिला और बताइए जल्दी से, हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देखिए, निम्न में से कौन सा संभाग जोधपुर में सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, जल्दी से बताओ आप सभी स्टूडेंट। जोधपुर संभाग के अंदर इनमें से कौन सा नहीं है? पहले तो जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर भी आता है और आपका बाड़मेर नहीं आता है ना, बाड़मेर किस संभाग के अंदर आता है दोस्तों, जल्दी से बताओ बाड़मेर किसके अंदर आता है? जैसलमेर आता है, सॉरी सॉरी जैसलमेर नहीं, सॉरी सॉरी जोधपुर संभाग के अंदर। एक मिनट, चलिए इसके अंदर जैसलमेर, हाँ सही है क्या? जैसलमेर नहीं, चूरू चूरू बीकानेर के अंदर आता है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये आते हैं, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, जैसलमेर, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी से अपना दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करूं दोस्तों, जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जालौर आता है, सिरोही आता है, पाली आता है, जोधपुर आता है। इसका मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, इसका मतलब 5 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चूरू नहीं आएगा, चूरू बीकानेर के अंदर आता है दोस्तों। चलिए गलती से मैंने दोस्तों पहले कुछ और बोल दिया था, माफी चाहूंगा। राजस्थान की स्थिति किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है? जल्दी से बताओ, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एवं 69 डिग्री 14 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 18 मिनट ईस्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से एवं 69 डिग्री 17 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। तीसरा ऑप्शन, 23 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एवं 69 डिग्री 17 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। डी, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एवं 69.3 मिनट, सॉरी 30 मिनट ईस्ट, 78.17 मिनट ईस्ट दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। कौन सा राइट होने वाला है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम के अंदर आते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हो दोस्तों? क्योंकि आपने दोस्तों बेसिक नहीं पढ़ा, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो इस तरीके से पछताओगे। चलिए याद कर लो दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज करने वाला डाउट रहता है, यहाँ पर 30 लिख देता है और यहाँ पर 3 लिख देता है, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इसमें तो ऐसा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन भी नहीं है, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया,
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इस समय राजस्थान में उप विभाजन कितने हैं? 186, 197, 202, 289। उप विभाजन राजस्थान में कितने हैं वर्तमान के अंदर, जल्दी से बताओ। वह है दोस्तों आपका राइट आंसर 289, यानी 17 की स्क्वायर 289, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है यार दोस्तों, कुछ हिंट देकर याद होता है दोस्तों, इससे नहीं तो है। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है अजमेर, जोधपुर, पाली, नागौर। धातु नगरी दोस्तों कौन सी है अब तो बता दो। जिलों की नगरी तो उदयपुर है, लेकिन धातु की नगरी, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको हिंट देना दोस्तों आप बता सकते हो, राजस्थान की धातु की नगरी नागौर है। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पहले जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो बताइए। जयपुर आता है, अलवर आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, दौसा आता है। इसका मतलब कितने जिले आते हैं? 5 जिले। जयपुर है, दौसा है, अलवर है, लेकिन धौलपुर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और आपका रहेगा इसके अंदर सीकर नहीं है, वो इसके सहित आपके सीकर और झुंझुनू इसके अंदर नहीं है, उससे 5 हो जाते हैं। ठीक है चलिए, मैं संभाग याद करवा दिया दोस्तों, 3 क्वेश्चन, 3 संभाग याद करिए। बीकानेर करवा दिया, जोधपुर करवा दिया, जयपुर करवा दिया। चलिए नेक्स्ट, नवीनतम संभाग भरतपुर में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर। आपको पता है दौसा तो जयपुर के अंदर है, सबसे पहले तो हमें इसको काटना चाहिए, जो आता है ना दूसरे जिले उसको काटो। इसका मतलब 4 है वो नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, डायरेक्ट काटो। धौलपुर आ रहा है, धौलपुर क्या, धौलपुर किसके अंदर है बताओ जल्दी से आप बताओ, कौन सा जिला भरतपुर कुछ है आपको बताओ। दोस्तों कौन कौन से मैं बताता हूँ, एक एक जिला आप काउंट करना। भरतपुर के अंदर सवाईमाधोपुर 1, करौली 2, धौलपुर 3, भरतपुर 4, 4 जिले आते हैं। ठीक है 4 जिले आपके कहाँ कहाँ रह गए, 3 दो 5, 5 थोड़ी आते दोस्तों, 1 मिनट। सवाईमाधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, हाँ हाँ सही है सही है। इसका मतलब भरतपुर है हमारा, सवाईमाधोपुर है, करौली है, लेकिन करौली नहीं है इसके अंदर, और दौसा नहीं है। 1-3, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, मैं दोबारा बताता हूँ। भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, करौली है। 1-3-5, 1-3-5 किसमें है? 1-3-5, 1-3-5 सारों में, लेकिन अलवर नहीं है, सॉरी अलवर है, हाँ अलवर और दौसा नहीं है, धौलपुर है। 1-3-5 है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अलवर दौसा किसमें आते हैं मैंने पहले करवा दिया है दोस्तों, मैं दोबारा कोई भी चीज मैंने कभी नहीं पढ़ाई दोस्तों, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्यों आपसे पूछूंगा दोबारा, एक बार बता दी वो चीज दोबारा पूछूंगा। ठीक है सबसे पहले याद रखना। चलिए एक बार ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्या, चलिए कोई बात नहीं अगर दिखाई देती। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, वो हो जाएगा जोधपुर दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग, जैसे जैसलमेर उसके अंदर आता है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। अब मैं एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उदयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं सबसे पहले बताइए। उदयपुर 1, डूंगरपुर 2, बांसवाड़ा 3, प्रतापगढ़ 4, चित्तौड़गढ़ 5, राजसमंद 6। इसका मतलब उदयपुर के अंदर 6 जिले आते हैं। 2 नंबर पर आया जोधपुर, जोधपुर के अंदर कितने आते हैं? जैसलमेर 1, बाड़मेर 2, जालौर 3, सिरोही 4, पाली 5, जोधपुर 6, 6 ही इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आया बीकानेर, बीकानेर कहते हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, हाँ इतना ही, 4। और उसके बाद आपका कोटा बचा, कोटा संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं जल्दी से बताओ। कोटा संभाग के, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, ऊपर से चलो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, 4 जिले याद होना चाहिए सारे स्टूडेंट, आराम आराम से नोट कर लो सारे। ठीक है चलिए, मैंने 4 संभाग आराम आराम से प्रत्येक चीज बड़ा बता दिया दोस्तों, जयपुर संभाग भी बता दिया है, भरतपुर भी बता दिया, अब कुछ बचा है तो अजमेर वाला बचा। अजमेर के अंदर कितने जिले आते हैं? 4, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक।
चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 10। निम्न में से किस संभाग में चार जिले नहीं हैं? बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर। दोस्तों अजमेर बीकानेर के अंदर चार जिले हैं, आपको पता है दोस्तों, मैंने एक ऑप्शन तो बताना नहीं था दोस्तों, पहले ही करवा दिया। अजमेर के अंदर भी चार आते हैं, मैंने अभी बताया दोस्तों अजमेर के कौन कौन से जिले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक आते हैं। उदयपुर के अंदर भी ज्यादा आते हैं, छह जिले आते हैं, हमने अभी पढ़ा था उदयपुर और जोधपुर के अंदर छह छह जिले, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अरे संभाग में पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, संभाग में पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, इसमें बताने की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। राज्य में किस, इसका राइट आंसर उदयपुर। राज्य के किस संभाग में जिलों की सर्वाधिक संख्या है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सबसे ज्यादा उदयपुर और जोधपुर है, अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो जोधपुर है, दोनों साथ में आएंगे नहीं क्योंकि छह छह जिले दोनों में, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 अगस्त 2008 को किस राज्य का पांचवां नगर निगम बनाया गया? अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, किशनगढ़। 23 अगस्त 2008 को किस राज्य का पांचवां नगर निगम बनाया गया? किसे राज्य का पांचवां नगर निगम बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 12। बीकानेर बनाया गया था 2008 को, 23 अगस्त 2008 को। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। किस किस की लगती है? ऊपर से चलो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। दोस्तों बीच में रह गया इसकी, तो अपने अंतर्राज्य सीमा भी नहीं लगती चूरू की, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, डी। चलिए राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर। ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सबसे पहले इस हिंट से याद कर लो, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान भी चूरू के अंदर है। तो सो चूरू का भी तापमान सबसे अधिक है, सर्वाधिक रहता है, सर्वाधिक ठंड भी और सर्वाधिक तापमान भी। RS RTS 2010 के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, जिसको मैप अच्छी तरीके से याद है ना, वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। वो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण विस्तार है ना, इस साइड से लेकर इस साइड से विस्तार, तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़ है ना, हाँ चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। मैंने एक बार झालावाड़ का नहीं, चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है, सी, बहुत बढ़िया। और ये तो बहुत ही दोस्तों, राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। अरे ये भी नहीं बताओगे तो कौन बताएगा दोस्तों, ये तो LKG UKG से पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए ये है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार दोस्तों, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ऐड कर दिया। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में अरावली की चोटियों का सही क्रम है, ठीक है, घटते हुए क्रम में, इसका मतलब सबसे बड़ी चोटी सबसे पहले आनी चाहिए, इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है सर। राइट आंसर क्या होगा हमें तो बताइए सर। सबसे पहले इतना हिंट देता हूं, गुरु शिखर सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है, अब बताओ दोस्तों, इसका मतलब सी तो नहीं होगा। लेकिन सर आपने तो थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन एक हिंट और देता हूं, वो है गुरु शिखर के बाद शेरगढ़, जो सिरोही के अंदर है, गुरु शिखर और शेरगढ़ सिरोही के अंदर, दरगाह कहां पर है बताइए। अब तो हिंट दे दिया दोस्तों, गुरु शिखर है, उससे छोटी सी शेरगढ़, उसके बाद जरगा, उसके बाद जलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, ठीक है, ये हो जाएगा डी। चलिए सबसे बड़ी गुरु शिखर है सबसे बड़ी, उसके बाद शेरगढ़, ये दोनों सिरोही के अंदर है, जरगा कहां पर है, तो जल्दी से आप बताओ। उदयपुर में जय समंद के आगे पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित व कट्टा पटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है? भोराट का पठार, देसरो का पठार, लसाड़िया का पठार, मेरवाड़ा का पठार। उदयपुर में जय समंद के आगे पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित कट्टा पटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है?
वो कहता है लसाड़िया का पठार दोस्तों, उदयपुर से जयसमंद के आगे का पूर्व का पहला ना उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है, लाठी सीरीज कहां पर है जल्दी से बताओ। लाठी सीरीज है अपनी जैसलमेर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट 18 थे, बहुत अच्छे 18 नहीं हमने 50 क्वेश्चन के आसपास पढ़े क्योंकि सारे संभाग मैंने याद करवा दिए। एक बार फिर से संभाग याद करवा देता हूँ आप आराम आराम से। सबसे पहले बीकानेर के नोट करिए, बीकानेर के अंदर आता है, ऊपर चलिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ठीक है, चलिए दो नंबर अपना आता है जोधपुर। जोधपुर के लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर। तीन नंबर संभाग लिखिए उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। कोटा के अंदर आते हैं झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। कोटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। चलिए अजमेर के लिखिए अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। जयपुर के लिखिए अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा। भरतपुर के लिखिए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर दोस्तों। चलिए अब दोस्तों जो भी मैं एमसीक्यू जो कुछ पूछूंगा आपसे, मैं तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से बताना दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने कहा लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है। ठीक है, याद होना चाहिए, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन सा है, और दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। दो क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राज्यीय जो सीमा पर है वह तो होगा भरतपुर, और दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला होगा उदयपुर दोस्तों। ठीक है, वो किससे बनाएगा आप थम्सअप करो सारे स्टूडेंट, चलिए बताओ जल्दी से। चलिए ठीक है, चलिए बहुत समझ में आ गई सारी चीजें, थैंक यू।